हेलो, यू आर वॉचिंग एनएल फर्नीचर्स। तो भी ऐसा लग रहा है अगर वाइड एंगल हटा दूँ ना, आप सामने से आकर देखिए बहुत ही बड़ा बेड है। इसकी हाइट बताइए पहले एक बार। सर 9.5 फीट है। 9.5 फीट। डिटेलिंग आपको देखनी होती है कि आप डिटेल में जाएंगे ना तो देखेंगे कि इसमें कितना काम है। तो और हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग अपनी आर्ट भी बचा लें और लोगों को ना मतलब सही रेट में सामान दे दें। जैसे कि 10 की चीज़ आपको शोरूम में 30 की मिलती है ना, तो हम कोशिश करते हैं कि 10 की चीज़ 12 या 13 में ही आपको मिले। मैं 3D भिजवाऊँगा। अच्छा, अभी आपके इसमें ना देख लेंगे वीडियो। तो अगर इसमें कोई लीफ ऐसे पकड़ लेते हैं कि ये लीफ तो इधर बनी हुई उधर नहीं है, तो ये बेड फ्री गिव अवे है। गिव अवे है सर। एक ये झूला है, अभी हमारे पास 8 झूले हैं। अपनी बात पे डटे रहना भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम कहते हैं कि जिंदगी लेके कि हमको ये बना देंगे, बना कैसे देंगे, दिख रहा है सब बना देंगे। इनका मेन बिजनेस फर्नीचर का ही है। अच्छा अच्छा, लेकिन ये लोग अपने घर के लिए हमसे फर्नीचर ले रहे हैं। ठीक हम देखिए, यहाँ तक एक एक चीज़ देखोगे ना तो आपको एनिमल फ्लावर्स यही है। और नीचे में भी देखोगे ना तो यहाँ पे भी देखो बहुत अच्छे भगवान जी भी हैं। देखो सारे में ऐसे ही है, डिटेलिंग वर्क है। फिर बात करें तो एक हमारे पास टीवी यूनिट है, 3 सीटर सोफा ये रखा है। बाहर दो चेयरें थी, जो टेबल थी। ये सबसे बेस्ट पॉलिश पीहू फिनिशिंग होती है, नेचुरल ताकि उसकी ग्रेस दिखे। आपको पता रहे कि असली लकड़ है। आपको नेचुरल चीजें पसंद करने का एक अलग ही मजा है आपको। मतलब ये 3 सीटर है और ऐसे घूमती है, रिवॉल्विंग है ये। जी जी जी, और पूरा सी थ्रू वर्क है। अगर आप हेलो अमरीश जी, कैसे हैं आप? बढ़िया पुनीत जी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर। तो लास्ट टाइम के हिसाब से आज बहुत कुछ नया है आपके पास, बहुत यूनिक आइटम्स आज सर। इस बार हम नया लेके आए हैं कुछ थोड़ा, जो कि डीप कार्विंग में है। इस बार सारी आइटम है जो है वो कैटलॉग से रिलेटेड है, सब ऑर्डर्स का सामान है जो हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, वो सब दिखाएंगे। उससे पहले प्लीज़ एक छोटा सा इंट्रो दीजिए अपना और अपनी कंपनी का। सर हमारी कंपनी जो है वो सहारनपुर में है, सहारनपुर वुडन फर्नीचर के नाम से है। हम लोग टीक वुड में मेन फर्नीचर बनाते हैं, ऑर्डर्स पे भी बनाते हैं और कुछ चीज़ें हमारे पास स्टॉक में भी होती हैं। ठीक है, आप लोग हमें अपनी पिक्चर शेयर करते हैं तो वो भी फर्नीचर हम बना के मोस्टली देते हैं आपको। ठीक है जी। ठीक है, तो ये एक फैक्ट्री है। सर ने जैसे अपना स्टोर का नाम बताया, सहारनपुर वुडन फर्नीचर, और यहाँ पर आपको फर्नीचर सारा फैक्ट्री प्राइस पर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सर हमारा एक तरीके से वेयर हाउस ही है जहाँ पे पॉलिश और कुशनिंग का काम चलता है। अदर एक फैक्ट्री और है हमारी जहाँ पे ये फर्नीचर बन के आता है। ठीक है, बन के आता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्या दिखाएंगे सबसे पहले? बिल्कुल सर बिल्कुल। तो क्या दिखा रहे सबसे पहले? सर मैं आपको दिखाना चाहूँगा सबसे पहले एक हैवी से हम स्टार्ट करते हैं। एक आपको यूनिक आइटम दिखाता हूँ। अच्छा, जो कि ये आउट ऑफ इंडिया जाएगी। अच्छा। आप इसको देखिए, इसका काम देखिए सर, बहुत जबरदस्त, बहुत हेवी है। ये दिल्ली के ही कस्टमर हैं, लेकिन रशिया में रहते हैं। अच्छा, रशिया में रहते हैं, लेकिन इनका एक घर ऑस्ट्रेलिया में भी है। अभी ये ऑस्ट्रेलिया में जाएगा फर्नीचर। मतलब दिल्ली में रहते हैं, रशिया में घर, ऑस्ट्रेलिया में भी अलग से घर है। जी जी, इनका मेन बिजनेस फर्नीचर का ही है। अच्छा अच्छा, लेकिन ये लोग अपने घर के लिए हमसे फर्नीचर ले रहे हैं। ठीक है, काफी हेवी है। मतलब इसका जो ये वर्क दिख रहा है ना, ये वाला सर, ये कर्व में कार्विंग है सर। ये कार्विंग है। जैसे आपने मेरे को एक चीज बताई थी पिछली बार, आपने बड़ी अच्छी अच्छी नॉलेज दी थी मेरे को फर्नीचर के बारे में। जी बिल्कुल, बताई थी कि शीशम वुड काली रहती है, टीक वुड थोड़ी पीलापन में आता है सर। ठीक है, टीक वुड में भी ग्रेड्स होते हैं। अच्छा, ए होता है, बी होता है, सी है। आप अगर हमारे फैक्ट्री में नोटिस करेंगे तो सारा फर्नीचर ए ग्रेड का है। अभी आप पूछेंगे कि ए ग्रेड क्या होता है, ए ग्रेड का मतलब होता है उसकी लाइफ क्या है ना, लाइफ स्पेन ज्यादा होता है जो ए ग्रेड होती है। आप कोई भी फर्नीचर हमसे लेते हैं तो उसका टाइम पीरियड बढ़ जाता है, लगभग लाइफ टाइम ही होता है सर उसका। ठीक है तो सर जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनका जो फर्नीचर हम बना रहे हैं उसमें और भी आइटम है, जैसे कि बेड्स हैं, वो अभी क्या है ना फैक्ट्री में है। और इनकी 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 मास्टर चेयर भी इन्होंने दो ली है हमसे, रॉकिंग चेयर लॉयन वाली ऑर्डर पे तैयार हुई है। अगर ये लुक देंगे तो आप इटालियन चेयर के रूप में है ये, इसका वर्क आप डिटेलिंग देखिए। सर मैं वही कह रहा हूँ, मैंने आज तक बहुत, यहाँ पे भी देखिए आप, देखिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत रॉकिंग चेयर देखिए। तो फर्स्ट टाइम ऐसे वर्क, इसके बाल की डिटेलिंग चेक करो या हेयर्स इसके। और सर आप एक एक चीज देखना, इसकी दो लॉयन है सर। प्राइस की अगर बात करते हैं ना तो प्राइस इसीलिए थोड़े से बढ़ जाते हैं क्योंकि डिटेलिंग आपको देखनी होती है कि आप डिटेल में जाएंगे ना तो देखेंगे कि इसमें कितना काम है, तो उसी चीज से रेट डिसाइड होते हैं। अगर आप आके देखेंगे एक एक चीज देखिए सर। सर मैं कह रहा हूँ, मैंने रिवॉल्विंग रॉकिंग चेयर बहुत देखी, मैंने मोटराइज देखी है, जैसे हमारी जो
फुल कवर्ड आती है, जो नॉर्मल हमारी जो वुडन में आती है वो भी देखिए सिर्फ प्लैंक्स फटी वाली, पर ये ऐसे कार्विंग रॉकिंग चेयर मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, इतना हेवी का वर्क हो रहा है। सर ये पेयर का ऑर्डर है उनका, उनका लंबा ऑर्डर है। अच्छा और भी कुछ है इनका? उनका तो और भी है, दिखाते जाऊंगा अंदर अंदर हम फैक्ट्री में बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे घुसते जाएंगे तो दिखाता जाऊंगा। इसके बाद अगर हम बात करें गुरुजी चेयर, जो कि आजकल आप अगर गिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम देखते हैं जो अपने गुरु को चेयर गिफ्ट करते हैं, तो उसके लिहाज से ये सबसे बेस्ट चेयर अभी मार्केट में चल रही है। अच्छा, और अगर प्राइस की बात करूं तो प्राइस हम डिस्क्लोज इसलिए करते हैं सर, ताकि जो लोग हमारी कॉपी करके ना रेट कम कर देते हैं। अच्छा। और कम किस लिए करते हैं, क्योंकि कम कोई नहीं करता, वो क्या ना क्वालिटी कम करते हैं, वुड की क्वालिटी, पॉलिश की, फैब्रिक की। तो अगर आप हमें हमारे दिए गए नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप करेंगे तो रेट तो हम दे देंगे, बाकी मैं कुछ रेट का आइडिया आपको देते जाऊंगा। ठीक है, रेट का आइडिया हम यहाँ से दे जी मैं आगे आपको दूंगा। बाकी ये जो ये घड़ी है, इसमें एक घड़ी उन्हीं की है। अच्छा, ऑर्डर्स की है ये भी। आप इसका काम देखिए सर, ये घड़ी है थोड़ी हल्की है, वो घड़ी देखे तो थोड़ी भारी है, तो रेट का भी उसके हिसाब से डिसाइड होता है सर। ठीक है, जैसे वर्क की बात करें इसकी थोड़ी। जी ये थोड़ा ना डिटेलिंग वर्क ज्यादा है इसके अंदर। आप देखिए ग्रैंडफादर वॉच है ये ना, ग्रैंडफादर वॉच जी, अभी के टाइम में ये बहुत ही मतलब ट्रेंडिंग में चल रही है अभी। ये गिफ्ट के लिए अच्छी आइटम है, एक एंटीक आइटम में आती है हमारे, बहुत ही शानदार। मेरे लिए भी ये बहुत अच्छी आइटम है, मैंने खुद अपने। प्राइस का आइडिया दे दीजिए सर। अगर प्राइस की बात करूँ तो जैसे कि अगर यही चीजें आप स्टोर से, जहाँ पे मतलब शोरूम होता है, चाहे वो सहारनपुर के अंदर शोरूम हो, बात करें तो दिल्ली के अंदर, तो इनके प्राइस आपको बहुत एक्सपेंसिव होते हैं सर। मान लीजिए 1,00,000 से तो बाहर ही है ये आइटम, है ना। अच्छा, ये तो 1,00,000-1.5 लाख भी नहीं मिलेगी ये। आप 1,00,000 की दे रहे सर? मैं नहीं दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आप स्टोर्स की बात कर रहे हैं? स्टोर मेरा तो फैक्ट्री है। अगर फिर आपका हमारे यहाँ आने का क्या मतलब फायदा हुआ जी? अगर आप उन्हीं की शोरूम वाला ही रेट में हम देंगे तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है जी। जी अगर हम बात करें इस वाली की और बात करें उसकी, तो उसका डबल वर्क है, लेकिन प्राइसिंग में डबल तो नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ जाता है। आपको बताऊं, जैसे कि हम ये वाली है या इसी टाइप की होती है, तो 30-35-40 तक इसकी रेंज 30,000 से आपकी स्टार्ट हो जाती है। जो आप कह रहे 1,00,000 या 1.5 लाख की आती है, बिल्कुल 30,000 में दे देते हैं, 30-35 तक। और फिर इसकी बात करें तो इसकी रेंज सर बढ़ जाती है, थोड़ी बढ़ेगी। आपने जैसे बोला कि डबल नहीं होगी, बस थोड़ी बढ़ती है, जैसे कि हमारा भी मतलब क्या हो कि हमें भी नुकसान ना हो और कस्टमर के घर पे भी सामान सही रेट में चला जाए, कम प्राइस पहुंच जाए। ठीक है, आप क्या दिखा रहे हैं सर? आ जाइए, आपको अभी हम एक, आपने देखा होगा, आप आजकल वीडियो कार्विंग की भी कर रहे हैं मोस्टली, लेकिन आज तक अभी आपने ये सोफा तो शायद अपनी वीडियो में ना दिखाया हो, बाकी आप जानते ही होंगे अगर आपने दिखाया होगा। ये दिल वाला सोफा है सर, ये दिल वाला तो नहीं दिखाया, लेकिन आपने लाइट कार्विंग का दिल वाला। अच्छा, ये डबल कार्ड देखिए, इसकी थिकनेस देखिए, अंदर बाहर दोनों है जी, डबल कार्विंग देखिए इसकी, 5 इंची थिकनेस में और सिंगल पीस में लगभग करने की कोशिश की है इसको। अच्छा। जॉइंट्स का काम बहुत कम है इसके अंदर, आप देखिए। और इसका ना 3D वर्क है, देखिए अगर आप यहाँ से भी देखेंगे ना तो यहाँ पे भी वर्क है ऊपर, जी ऊपर में भी। और इसकी बात करें तो ये 5 सीटर है, 3-1-1, अगर आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करा सकते हैं, 7 सीटर जो भी सर, टेबल है और 2 साइड टेबल है। जरूरी नहीं होता कि किसी स्टोर पे, किसी फैक्ट्री में जैसा रखा हो 3+1 1 या 3+2 रखा हो, तो आपको वैसा ही लेना पड़ेगा। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग बनवा सकते हैं फर्नीचर ना, बिल्कुल आपका एरिया है उससे। अच्छा सर, अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी नॉलेज की बात बताना चाहता हूँ, जो कि आपके लिए भी अच्छी रहेगी जी। आपने एक चीज नोटिस की होगी, हमारे यहाँ पे जो आप वुड देख रहे हो उसका कलर आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा मतलब थोड़ा रेडिश करके है, मतलब येलो में रेडिश है थोड़ा, क्योंकि ये लकड़ी ही होती है जो लाइफ में आगे तक मतलब चलती रहती है, ये है। मतलब जल्दी से खराब नहीं होती है। हाँ, ये टीक वुड का एक ग्रेड होता है। अभी बात करें तो ये है मूढ़ा सेट, जो कि पूरा सेट है 3-1-1, और ये उसका काउच है जो कि दीवान बोलते हैं। आपने देखा होगा एक साइड से ये थोड़ा सा खुला रहता है, और ये 2 स्टूल हैं, मतलब जो साइड टेबल यानी पैक टेबल बोलते हैं, और ये सेंटर टेबल है। और बात करूँ, सेंटर टेबल बड़ी इसलिए दी गई है क्योंकि अगर हम पूरा सेट ले रहे हैं तो फिर वो ना बड़ी एरिया में लगता है सर। अच्छा, तो उसके साथ हमें ना सेंटर टेबल बड़ी देनी रहती है। ठीक है, लोगों को तो मतलब जो आजकल बहुत सारी शॉप खोल के बैठे हुए हैं वो क्या करते हैं, कस्टमर को सजेस्ट ही नहीं करते कि आप छोटी टेबल ले या बड़ी, आपको बताना चाहिए उनको ना। अच्छा, कि आप इसमें ना बड़ी टेबल लगाइए, छोटी लगाओगे तो फिर ये सोफा तो बड़ा हो गया, टेबल छोटी,
तो फिर मजा नहीं आएगा सर। मतलब अगर आपके एरिया बड़ा है तभी ये बड़ा सोफा आ सकता है, तो उसका बड़ी टेबल ही चलेगी, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी टेबल नहीं, छोटी भी लगा सकते हैं अगर आपके घर में एरिया कम है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप बड़ी लगाइए अगर आपके घर में स्पेस है तो। ठीक है, अच्छा एक आइडिया दे दीजिए, जैसे आपने दिखाया आपका दिल वाला सोफा, कार्विंग का जो फर्नीचर होता है सोफा होता है जैसे ये वाला दिल वाला, इसी में जो लाइट कार्विंग हो जाए तो क्या प्राइस स्टार्ट हो जाता है? सर 10-12 हज़ार रुपये पर सीट से स्टार्ट होता है वो। अच्छा। लाइट कार्विंग वाला। जी जी, अब आइए सर मैं आपको दिखाता हूँ। आपको और भी अगर हम बात करें तो हमारे पास ग्रैंडफादर वॉच में ना अलग अलग डिज़ाइन है, एक ये डिज़ाइन है सर, और आप वुड भी चेक करते रहिए, एक ये है, मतलब इसकी सर मैं आपको ना प्राइसिंग का दो टाइप से होता है, ये चीज़ आपको ना सही रेट में भी मिल जाएंगे। अगर आप बात करो हमारे प्राइस की, हमारा प्राइस ना तो कम है ना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा फैक्ट्री प्राइस है, और कम इसलिए नहीं है क्योंकि हम क्वालिटी देते हैं सर। ठीक, आप ना देखेंगे ना इसकी कार्विंग, आप इसके फ्लावर्स देखिए उसके पास है, ये हल्के एक दिन में भी ये काम हो सकता है, और यही दिन यही टाइम लगता है 4 दिन में भी डिटेल, तो इसीलिए प्राइसिंग ना सर थोड़ा ना डिफरेंस आता है। और इसके यही चीज चेक कर लीजिए ना। जी जी बिल्कुल, एक एक चीज इसको भी छोड़ भी सकते थे, लेकिन ये प्रॉपर पत्तियां बनाई गई गुलाब की पत्तियां जो रोज होता है, और एक ये डिजाइन ये भी है सर। तो 30,000 आपने स्टार्टिंग बताया आपका, 35 से स्टार्टिंग हो जाती है, और प्राइसिंग तो फिर आपको देखो 80 तक भी है हमारे पास। अच्छा, ग्रैंडफादर वॉच, लेकिन आपको ना आधे ही रेट में यहाँ पे फर्नीचर मिलने वाला है सर। ठीक है, और बात करूँ तो फिर हम गार्डनिंग पे आ गए, जो गार्डनिंग में गार्डन में रख सकते हैं इसको, कॉफी टेबल सेट है सर, ये 4 सीटर, और ये भी डिटेलिंग वर्क में है अगर आप देखें तो। और अगर आप सीटिंग की बात करें ना तो यहाँ पे प्लाईवुड नहीं है देखिए, और इधर देखिए टीक वुड ही लगाया गया है नीचे सीट में भी, और ये आपके सामने है पूरा, और ये रिवॉल्विंग है सर, ऐसे घूमती है। अच्छा, रिवॉल्विंग है ये? जी जी जी, और पूरा सी थ्रू वर्क है, अगर आप नीचे की भी बात करें पूरा सी थ्रू वर्क है। ठीक है, बहुत अच्छी। जी जी, काफी अच्छी है। जी बिल्कुल, मतलब आपके अकॉर्डिंग यहाँ फर्नीचर बना दिया जाएगा। जो रिवॉल्विंग चेयर दिखाई जो मैंने कॉफी टेबल में फर्स्ट टाइम देखी, एक सॉलिड वुड में सर, ये टीक वुड में है, और आप टीक वुड की क्वालिटी भी देख सकते हैं आपके सामने पूरा, लालपन पीलापन आपने बताया वो है इसमें, कालापन ग्रेस अपने आप ही दिखते हैं। सर अगर आप एक सवाल मुझसे करें कि हम कैसे लकड़ी को समझें कि ये अच्छी है, सर वही है कि खुला खुला है, कि नॉर्मल बंदा भी जो कस्टमर है हमारे या आपके व्यूअर्स हैं वो भी समझ सकते हैं। अगर लकड़ी में कहीं वाइट दिख रहा है तो समझ लो बी ग्रेड है, ज्यादा बड़ा वाइट दिख रहा है तो सी है, अगर लकड़ी में कहीं नहीं दिख रहा है तो फिर ए ग्रेड है। ग्रेस जरूरी है? ग्रेन्स तो सर ए ग्रेड में ही आते हैं। और आपको बात करूं, अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे सारा मॉइस्चर लेवल कम है, तो इन्हीं सामान में क्या होता है, इन्हीं सामान में हम पॉलिश अच्छी दे पाते हैं। अच्छा, और ग्रेन्स भी विजिबल, जो लकड़ी सूखी होती है उसी में आते हैं। अच्छा, उसमें ग्रेस आता है, उसमें पॉलिश अच्छी आती है, खिल के आती है। बिल्कुल बिल्कुल, हील होगी, मॉइस्चर होता है। और सर ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों ने पिछले, मतलब मैं जहाँ तक सुना हूँ, मतलब पिछले 50 साल से हम लोगों ने तो ये आर्ट बचाई हुई है। अच्छा, बाकी उससे पहले भी हमारे कोई होंगे जो इस काम को करते होंगे, लेकिन हमने 50 साल से तो मैंने सुना है कि ये आर्ट हम बचा रहे हैं अपनी आर्ट। चलो ठीक है, बहुत अच्छा, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ये ढलती जा रही है चीज़, आजकल ना सब सॉलिड वुड छोड़ के फाइबर में जा रहे हैं, वो सस्ता पड़ता है, फाइबर के साथ फुल कवर्ड में जा रहे हैं। अब ये सब मतलब आजकल जैसे बेड की बात कर लेते हैं, जी जी, इतना हैवी इतना बड़ा बेड बना हुआ है, अब मेरे को पता आपका प्राइस मार्केट से 60-70% कम ही रहेगा। 60 तो मान के चलो रहे, कम होगा। ठीक है, अब मार्केट में इतना बड़ा बेड नहीं बनाते क्योंकि मतलब उनको लगता है कि मार्केट में कोई खरीदने वाला नहीं होगा। अब खरीदने वाला कैसे होगा, तब तुम ही इतना महंगा दे दोगे तो कैसे कोई खरीदेगा? सर देखो, और मेहनत इसमें अलग लगती है, टाइम इसमें अलग लगता है। सर ये तो अभी यूट्यूब का धन्यवाद करूंगा मैं, जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ पाया है, नहीं तो पहले होता था आदमी क्या ना शोरूम से लेता था महंगा महंगा, अभी तो आप डायरेक्ट फैक्ट्री आते हो, जो एक्चुअल इसका प्राइस है उसमें अभी हम कस्टमर से डायरेक्ट जुड़ पाए हैं। हमने केरला में डिलीवरी करते हैं, अभी तो आउट ऑफ इंडिया भी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, एक ये बेड है सर, ये भी बहुत ही शानदार बेड है, पूरा कार्विंग है। कुछ आजकल ना दो टाइप के बेड चल रहे हैं सर। जी, बात करूँ तो कुछ लोग पसंद करते हैं कुशनिंग वाले बेड, जैसे कि बैक में कुशन भी आती है और कार्विंग भी होती है, वो लाइट बेड होते हैं। कुछ लोग पसंद करते हैं जैसे कि वेस्ट बंगाल या साउथ इंडियन लोग, वो पूरा ही उनको वुड चाहिए होता है। जी जी, हैवी ये लाइट में भी उनको पूरा वुड ही चाहिए। ठीक है, उनको ये नहीं है कि इसमें कुशन आ जाए, वो लोग क्या ना सॉलिड वुड भी ही पसंद करते हैं। अच्छा। जी जी, और एक ये है इसमें कुशन आता है लाइट, जो कि अपने दिल्ली NCR में लोग पसंद करते हैं ज्यादा, और पंजाब वगैरह में जो शोरूम की बात करें तो वो इन बेड को देते 60-60 हज़ार में। सर 60 में नहीं देंगे, 60 में नहीं देंगे, 60 से
सर 1,20,000 से कम दे दे तो मैं मान जाऊँ, क्योंकि अच्छा? मैं भी वीडियो देखता रहता हूँ ना। टीकूट में नहीं है वो सर, वो टीकूट में नहीं है, वो फाइबर के बेड है जो आप बात कर रहे हो 60,000। अच्छा, टीकूट में तो वो 95 मतलब, और वो तो पता नहीं क्या उनका रेट बढ़ा देते, समझ नहीं आता मुझे तो। क्योंकि वो लोग क्या है ना, सहारनपुर की मार्केट से ही लेते हैं, तो उनको भी, उनको मैं गलत नहीं बोलूंगा, उनका अपनी जगह सही है, क्योंकि उनका शोरूम है सर, उनके पास कार्विंग नहीं है तो वो तो रेट ज्यादा देंगे, तो अपना मार्जिन रखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको तो रखना ही पड़ेगा सर, नहीं तो फिर उनका कैसे चलेगा। ये देखिए क्या बेड, ये मेरे को बहुत पसंद है, इसका सामने से एक बार देखो, आपका व्यू दो एक। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको इसकी बेड की अब खासियत बताऊं। बताइए आपको, मैं कुछ चीजें आज नॉलेज की शेयर करूंगा, जैसे बात करें इसकी कार्विंग की, अगर हम बात करें कार्विंग की, दो ये बेड ना सस्ते में भी हो सकता है। आप पूछो कैसे सस्ते में हो सकता है, कैसे सर? कार्विंग भी दो टाइप की होती है, अगर हम बात करें, एक होती है मतलब अच्छी कार्विंग जो कि इसमें दिख रही है आपको, लीफ वगैरह फ्लावर्स पूरे प्रॉपर बने हुए हैं। अगर इसको जल्दी जल्दी में हम कर दें, अभी तो मेरे पास वैसा बेड कोई है नहीं तो मैं दिखाता आपको कंपेयर करके कि अच्छा काम क्या होता है, बुरा काम क्या होता है। ये देखिए आप कैसे ऐसे अंदर की तरफ से उठा जा रहा है। जी और जी। फ्लावर्स की बात करूं, जैसे कि आप ये ना, ये दो पार्ट्स में बना हुआ बेड है। अच्छा। आपकी बात करूं, देखो ये इधर है तो सेम ये भी इधर है। अच्छा, अगर आप अच्छा। इसकी एक एक लीफ देखेंगे ना, तो अगर आप एक लीफ सेम रहेगी सर, अगर एक लीफ भी कम रही ना, एक लीफ भी कम रही, तो ये मैं ना फ्री ऑर्डर करूँ, मैं फ्री भिजवाऊंगा कस्टमर। अच्छा, अभी आपके इसमें ना देख लेंगे वीडियो, तो अगर इसमें कोई लीफ ऐसे पकड़ लेते हैं कि ये लीफ तो इधर बनी हुई उधर नहीं है, तो ये बेड फ्री गिव अवे है। गिव अवे है सर, ये मेरी तरफ से पक्की गिव अवे हो गया ये वाला बेड। जी सर ने एक बात बोली कि आप अभी वीडियो को पॉज करिए और देखिए, जो वर्क यहाँ लेफ्ट में हो रखा है वो वहाँ राइट में भी होना चाहिए। अगर हल्का सा एक लीफ भी एक अलग रही ना, तो आपको एक को नहीं सबको फ्री मिलेगा, जो बता देंगे सर, जो बता देगा, क्योंकि इसके तो 7-8 तो अभी कारखाने में रखे हुए हैं, और मुझे लगता है एक भी नहीं मिलेगा। बहुत अच्छे, एक भी नहीं मिलेगा गिव, क्योंकि इसमें कमी है ही नहीं, कमी है ही नहीं, तभी नहीं मिलेगा जी। अगर निकाल तो मिलेगा ही मिलेगा। देखो सर, देखो एक एक चीज सर, और लोग क्या करते हैं ना, जल्दी जल्दी में इधर की दो पत्तियां कहूँ आई जा, वो काम क्यों, कोई गिनने बैठता नहीं है ना सर। कोई अपने घर इतना शौक से बनाता है, अगर उसको हम फर्नीचर बेकार देंगे तो उनका दिल ना टूट जाता है। आदमी जिंदगी में एक ही बार घर बनाता है। जी जी जी। तो काम ऐसा करो कि लोग 4 लोगों को बताएं और हमारे पास फिर आए भी। इसकी कारिंग बहुत हैवी है इसकी, देख लो 12 इंची, क्योंकि आजकल रॉयल फर्नीचर भी कुछ लोग ले रहे हैं। जी दिल्ली में अगर इनकी बात करूँ ना, मैं एक बार कीर्ति नगर में विजिट करने गया था। अच्छा, इतना हाई कर देते हैं ना रेट, मतलब जो हमारे यहाँ जो घड़ी 35,000 या 40,000 की है, वो तो रॉ हम जो कंप्लीट करके देते हैं, वो रॉ बता रहे थे 80-85 हज़ार की। अच्छा, रॉ। अब मार्जिन तैयार में तो ज्यादा ही रखता है आदमी, पॉलिश वॉलिश, तो 1,00,000 से बाहर ही आती है चीजें जो यहाँ 30-35 की, आप समझो। जो आप यहाँ पर 30,000 की चीज दे रहे हैं, अब मैं आपको ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूँ जो कि सहारनपुर में भी किसी किसी के पास ही, जो बहुत बड़े शोरूम वाले हैं या बहुत बड़े कारीगर हैं, वो बेड उनके यहाँ ही दिखेगा। आज तक पुनीत जी आपने इतना अच्छा बेड देखा, नहीं देखा। सच बताओ, दिल से नहीं देखा, दिल से। आप इसकी हाइट देखो, 9 फीट हाइट है। मैं भी वाइड एंगल में है ये वाला कैमरा। बंगला बंगला बनाना चाहता है ना वो सर, इस सामान को लेते हैं जो मतलब बहुत ही रॉयल। मैं कह रहा हूं कि मैंने ना वाइड एंगल कर रखा है, तो अभी ऐसा लग रहा है अगर वाइड एंगल हटा दूं ना, आप सामने से आकर देखिए, बहुत ही बड़ा बेड। इसकी हाइट बताइए पहले एक बार सर। 9.5 फीट है। 9.5 फीट उसकी ये चौड़ाई विड्थ सर, ऐसे बात करें तो 7 फीट के आसपास चला जाता है। बॉक्स यहाँ तक फिट होते, तो 1 फीट इधर निकला, 7 का भी 8 होगा प्रॉपर। देखिए कार्विंग की डेप्थ देखिए पहले, ये कितना 12 इंची आपने बताया था सर, 12 इंची, वो इससे हैवी है, ये उससे हैवी है, मतलब क्या बात है, मजा आ गया। मैंने फर्स्ट टाइम देखा, दिल से फर्स्ट टाइम देखा, मजा आ गया। ये ओरिजिनल कार्विंग है अगर बात करें तो, और सर इसको रखने का मतलब यही है ताकि हम लोगों को बता सके कि हम कुछ भी बना सकते हैं। जी जी। लोग तो बोल देते हैं, देखो हल्की हल्की आइटमें रख के वीडियो बनवा के बोल देंगे कि हम तो बना देते हैं। आप ना ट्राई भी करिए कि इनकी वीडियो में क्या दिख रहा है, या विजिट करिए। नहीं, मैं दिल से बोलूंगा, मैंने दिखाया फर्नीचर कारिंग फर्नीचर, पर इतना डीप लीवर करा हुआ मैंने नहीं। सर आप खुद ही अंदाजा लगाओ कितना टाइम लगा होगा इसको, ना हिला नहीं सकते हैं ये, मतलब ये कम से कम आपने इसमें नाना करते करते ना 3 महीने 2.5 महीने ले लिए सर। 3-3.5 महीने लगे हैं कार्विंग होने में, कार्विंग में, सिर्फ कार्विंग में। जी जी। और आप लोग ऑर्डर करेंगे तो आप मान के चलिए कम से कम 4.5 महीने लगेंगे सर। क्या इन चीजों के स्टॉक रखने पड़ते हैं हमें,
स्टॉक में रहता है तो इसको पॉलिशी करने में एक महीना लगता है, तो वो दे देंगे, वैसा कोई दिक्कत नहीं। मतलब कारीगरी आपको दिखा, आप वाकई बड़ा अच्छा काम कर रहे कि एक कला को बचा रहे, इतना अच्छा हो गया। कला को बचाना भी और अपनी बात पे डटे रहना भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम कहते हैं किसी से कि लेके कि हम तो ये बना देंगे, बना कैसे देंगे, दिख रहा है सर बना देंगे, ऐसे नहीं कि हमने बोल दिया कि ये बनाया है तो ही रखा है यहाँ पे। और आप अगर बात करें ना, तो अगर आप पास से आके इसके फ्लावर्स दिखाएंगे तो आपको लगेगा कि सच के ही हैं ये, मतलब ऐसा झूठ का नहीं है। जी, रियल लग रहे हैं ना, लग रहे हैं वुड के, लेकिन लग रहे हैं आपको खिले हैं, खिले हुए प्लांट्स पे खिले हैं ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छे बात, दिल से। कला को बचाना ही बड़ी बात नहीं होती है, कला को सही तरीके से बचाना बड़ी बात होती है। सही तरीके से काम तो हर कोई सीख लेता है सर, पर एक एक्सपीरियंस होता है, ऐसा नहीं होता है सर, ओरिजिनल करने से होता है। अभी हमने आपको हैवी 5 ब्रेड दिखाए, इनमें से 3 ऑर्डर के हैं, 2 हमने एक्स्ट्रा में बना के रखे हैं के लिए। इस जी ये क्या ना, ऑर्डर्स इसका आ जाते हैं, जैसे कि आपकी वीडियो अभी अपलोड होगी ना, तो इनके ऑर्डर्स आ जाएंगे तो पॉलिश करके दे देंगे, दे देंगे हाथ के हाथ। बस पहले ऑर्डर करने वालों को यही फायदा होता है कि उनको जल्दी सामान मिल जाता है, नहीं तो फिर ऑर्डर्स पे बना के दिया जाता है। ऑर्डर जब आप देंगे तो मतलब ऑन डिमांड अपना कुछ देंगे तो 2-3 महीने, दो ऐसी चीज में तो हैवी में तो थोड़ा ज्यादा लग जाता है, लाइट में थोड़ा 1-1.5 महीने में हो जाता है। तो दे देंगे तो जैसे बताया कि वर्ल्ड वाइड डिलीवरी हो जाएगी आप, बिल्कुल आराम से, उसकी कोई चिंता ही नहीं है, घर में बैठे मिलेगा, सेफ मिलेगा, आपकी पैकिंग भी टॉप क्लास होगी। सर अब मैं दिखा रहा हूँ आपको सोफाज जो कि लाइट कार्विंग से दिखाता हूँ, पहले हमने हैवी में दिखाए थे आपको, अब ये लाइट में है, जो मतलब आपकी रेंज के हिसाब से भी, क्योंकि हर लोगों का बजट बड़ा नहीं होता है, ये बजट फ्रेंडली है, टिक वुड के ही है और 1.5-2 इंच थिकनेस है। आप आगे आइए, हमारे पास कॉर्नर सोफा भी होते हैं जो कि आजकल लोग एल सोफा में डील कर रहे हैं, मतलब लेना पसंद करते हैं क्योंकि कॉर्नर में लगी है एल सोफा। जी, ये एल सोफा है, मतलब कोई भी डिजाइन किसी भी साइज में किसी भी डिजाइन में कितना भी बड़ा बना के दे सकते हैं, कोई ये बड़ी बात। इसको ना शेज लाउंज कहते हैं, पर मैं चेसी लाउंज शुरू से बोलता आ रहा हूँ, पर शेज लाउंज कहते हैं इसको। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू नॉलेज देने के लिए, थैंक यू। और अगर हम बात करें मतलब लाइट कार्विंग की, तो ये लाइट कार्विंग का सोफा है, और अगर आप इसकी देखो कितनी मतलब कमाल की लकड़ी लगी हुई है सर इसके अंदर, उसका डार्क पन, उसके ग्रेज, ग्रेज आपको तब पता लगेगी जब इस पे एक बार सर पानी का हाथी मार दो आप, वो ना करो पॉलिश ना करो, पानी का हाथी मारो तभी ग्रेज पता लगेगा सर। और ये भी बात है, ये लकड़ियां जो होती है ना, ये जो अच्छी लकड़ी होती है, पानी का हाथ मारो तो भी खराब नहीं होती है, और जितना ये ऐसे डस्ट पड़ा हुआ दिख रहा है ना पॉलिश करने के बाद, इतनी ये शानदार आइटम दिखती है, क्योंकि सूखने के लिए आपने छोड़ी हुई है ना इसको, इसको सूखने के लिए, और ये तो ऐसे दिख, मतलब कस्टमर के लिए बता रहा हूँ, कुछ कस्टमर देखते हैं कि ये तो डस्ट पड़ा, सर ये तैयार होने पे एक्चुअल पता लगता है कि आइटम है क्या है क्या। अब अलमीरा की बात करें, जैसे कि बहुत अलमीरा रखी है सर, जैसे कि ये अलमीरा है, ये मतलब थोड़ी लाइट कार्विंग की है, इसके आगे आ जाते हैं तो इसमें इधर के साइड में भी कार्विंग आ जाती है, साइड में भी कार्विंग जी है। ये आप देखोगे तो ये तो साजन वाली, मतलब क्या कहते हैं साजन, साजन वाली, साजन क्यों ऐसा है, मतलब साजन मतलब बस नाम है इसका, कार्विंग की जो इसकी शेप है ना वो साजन टाइप की है, ऐसा बोला जाता है, मतलब आपके सारनपुर की अपनी लैंग्वेज लैंग्वेज है जी। देखो अगर आप इसकी बात करें, फिटिंग की बात करें, देखो लोग क्या करते हैं, हो गया मेरा, देखो इसका, बंद करो एक बार इसका, ये देखो आप, ये भी बंद करूंगा ना मैं, बंद करूंगा ही नहीं, मुझे नहीं पता था कि इसमें स्टोरेज है। जी यहाँ सामने ड्रॉर्स को, चलो समझ आ रहा है, ये भी ड्रॉर्स है, और देखो कमाल की है चैनल ना सर, ये ना हेरिटेज के लगाते हैं लोग ना, लोकल, हम लोकल वाला काम करते नहीं है, इसीलिए हमारा रेट क्या ना कम भी नहीं है लेकिन ज्यादा भी नहीं है। हैंडल भी फ्लावर वाले बना रखे हैं, फ्लोरल हैंडल्स हो गए, और कार्विंग का टाइप भी देखो आप, दिल खुश हो गया, टाइप भी देखो आप, ये इसका कर्व ने जो आप दिखा रहे थे, देखो सर यहाँ ना देखो, देखो आप ये चीज देखो, लोग क्या करते हैं हमारे काम में फिनिशिंग मिलेगी, और इधर से भी इसका काम दूर से दिखा दो, कमाल की चीज है सर, ये आपने खोला ना होता ना तो मुझे सिर्फ ड्रॉर चिखते, ये नहीं लग रहा था कि ये भी यहाँ पे कुछ खुलता है सर, ये सारे खुलते हैं, लॉक भी हैं, अभी तो लॉक होके रखा है, बहुत अच्छा बनाया सर, दिल खुश कर दिया आपने, नहीं ये कमाल की चीज है। और ये साइड टेबल्स का ऑप्शन, ये साइड टेबल है, और साइड टेबल में आप व्हाइट भी नहीं दिखाएंगे लकड़ी, लोग तो पता नहीं क्या क्या आजकल बेच रहे मार्केट, तो वाइड एंगल, वाइड एंगल कह रहा हूँ, तो ये आपको हर बेड के साथ साइड टेबल मिलेगी ना, हाँ बेड के साथ, पर आप नहीं भी ले सकते हो, ले भी सकते हो, आपको अगर लेनी है पैसे कम हो जाएंगे, वो तो पैसे कम होने ही है भाई, सामान नहीं देंगे तो पैसे कम लेंगे, अगर वो हैवी बेड लेते तो उसके साथ कोई हैवी साइड टेबल ही मिलेगी, उसकी तो हैवी होती है, वो ऑर्डर्स पे बनती है, अभी तो रही रखी है, क्योंकि जब अगर ऑर्डर आते हैं ना, तो जैसे कि उनके 3 ऑर्डर 3 बेड बिके हुए हैं, तो उनकी मार्केट में जो हमारी फैक्ट्री है अच्छा। उसमें बन रही है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, कुछ फ्रेम्स रखे जैसे ऊपर, जी ये सारे टिक वुड के हैं, 3x4.5 फिट के,
अगर आप बात करो तो ये तो 20 थे पिछले महीने, अभी इनमें से ना 11 बिक गए, 9 शायद अभी बचे हुए हैं। ठीक है। हमारी लकड़ी में अगर कमी आती है तो उसके जिम्मेदार हम है, कोई ऐसा नहीं कि हम कुछ भी लगा के देंगे आपको। फिर बात करें तो उस जो डिजाइन दिखाया था उसकी शेप में ये मतलब उसका ही शोकेस है। ठीक है, जो की क्रॉकरी यूनिट बोला जाता है, एज इट इज, जैसे आपने वो सेम सेम अलमीरा का नहीं, आप एक चीज देखिए दिखाया था, इसकी कार्विंग तो आपको दिख ही रही होगी कितनी शानदार है। जो बारीक कार्विंग होती है ना वो अच्छी होती है, मोटी कार्विंग क्या ना जल्दी हो जाती है। अच्छा। उसके औजार जो होते हैं ना वो मतलब वो जल्दी जल्दी काम करते हैं ना, बारीक काम करने में टाइम लगता ही, आप समझ रहे। देखो ऐसे ऐसे है इसका, और अभी हम बात करूं तो ये भी एक बेड है कार्विंग का, जो लाइट कार्विंग या मीडियम कार्विंग में आते हैं, ये मीडियम कार्विंग के बेड हैं। फिर ये एक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये भी बहुत अच्छा बेड है। अगर आप चाहो तो इसकी मैं पिक्चर आपको बाद में दे दूंगा कंप्लीट की। एक ये बेड है, बहुत ही अच्छा बेड है ये, और एक ये बेड है जो कि मार्केट में अभी, मतलब ये वो बेड्स हैं जो मार्केट में अभी कैटलॉग में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। ठीक है, अब जिन कार्विंग को आप कह रहे हो कि लाइट कार्विंग, उसको मार्केट में हैवी कार्विंग बोला जाता है, हमारे मार्केट में आपकी मार्केट में हैवी है, यहाँ पे वो लाइट है। और फिर बात करूँ तो एक कंसोल की, एक ये कंसोल है, ये बहुत ही अच्छी कंसोल है, यहाँ पे आप मार्बल भी लगवा सकते हैं, वुड भी। ठीक है, क्योंकि इसमें मार्बल लगेगा, ये भी ऑर्डर की है, काम इसका बहुत ही शानदार है, ये मतलब अच्छा वाला काम है। ठीक है, और ये थोड़ी एक चेयर की बात करें, बहुत अच्छी लग रही है मुझे सर, ये पत्ते वाली चेयर बोलते हैं, लीफ चेयर जी, दो चेयर और एक ये बीच में स्टूल टाइप करके है, ये भी चल रही है। अभी गुड़गांव गया था एक ऑर्डर, एक चंडीगढ़ गया था। ठीक है, उनका बाकी भी फर्नीचर था, बाकी थोड़ा हम लोग ना दो चार आइटम रहे तभी ऑर्डर पकड़ते हैं, कोई एक चेयर बोलता है तो नहीं भेजते, नहीं पकड़ते, क्योंकि उनका कार्टेज इतना लग जाएगा फिर। जी जी, एक चेयर का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब होता है ना थोड़ा सामान रहे कि फिर भेजने में भी अच्छा लगता है। ये झूले की बात करें, स्विंग की जी, एक ये झूला है, अभी हमारे पास 8 झूले हैं। अच्छा। लेकिन डिस्प्ले में हमने इसमें अभी हमने 3 ही डिस्प्ले किए, एक ये है कार्विंग वाला, वो इंग्रेविंग वाला है, टकाई वाला बोलते हैं, हाँ छत वाले हैं दोनों, एक बिना छत का भी है उधर से, अगर आप जाके देखेंगे ना, एक बिना छत का भी है। अच्छा अच्छा, खाली ये पिलर सा लगवा दिए उन्होंने। जी जी, एक सिंगल पिलर का है ये। ठीक है, और अब और बात करते हैं, ये सेंटर टेबल रखी हुई है तो सोफा की साल चलती है, इनको दिखाने से। सेंटर टेबल की क्या प्राइस होती है स्टार्टिंग? सर सेंटर टेबल हमारे यहाँ अच्छी में 15,000-12,000 इससे स्टार्टिंग होती है। ठीक है, और देखो ये मंदिर है, कम ये कम साइज का मंदिर है, फिर इसके बड़ा है, बैक में भी टिकूर है, आइए, फिर ये उससे बड़ा है, फिर ये उससे बड़ा है, पूरे में कार्विंग वर्क है और ए ग्रेड है, पूरा काम अच्छे वाला काम है सर ये, इसमें रेट भी थोड़ा बढ़ सकता है ना, इसलिए ये काम अच्छा है, अच्छे काम का रेट आपको पता ही है ज़्यादा होता है जी। फिर आप आ जाइए एक मंदिर जो कि हरियाणा का ऑर्डर है, सामने से दिखाऊंगा, बहुत बड़ा मंदिर है, ये है 9 फीट बाई 8 फीट, 8 फीट है ये देखो, और ये देखो ऊपर में टॉप में वुड और वुड के ग्रेन्स देखो आप। जी जी, हमारे यहाँ पे अगर लकड़ी देखेंगे ना तो आपको ग्रेन्स दिखेंगे मार्केट में, यूजुअली यहाँ पर जनरली यहाँ पर हमारी प्लाई चलती है, पर आपने टीकवुड लगाई और टीकवुड भी सर महंगी वाली, हाँ। एक टीकवुड होती है 2,000 रुपए स्क्वायर फीट, अभी मार्केट में एक होती है 3800, ये 3800 वाली है सर। ठीक है, और इसका पूरा काम है देखिए, यहाँ तक एक एक चीज देखोगे ना तो आपको एनिमल्स फ्लावर्स यही है, और नीचे में भी देखोगे ना तो यहाँ पे भी देखो बहुत भगवान जी भी है, देखो बहुत सारे में ऐसे ही है, डिटेलिंग वर्क है। फिर बात करें तो एक हमारे पास टीवी यूनिट सेट भी रखा हुआ है, ये देखिए आप, टीवी यूनिट सेट है सर, ये टीवी यहाँ पे टीवी यूनिट सेट है, और देखिए ये। ठीक है जी जी, ठीक है, ये टीवी यूनिट आ गया, साइड में एक हमारा जो डिस्प्ले का आपने बताया था, ये छोटी छोटी क्रॉकरी टाइप होती है सर, ये चलता है, कस्टमर बहुत इसको लेते हैं। ठीक है, फिर एक ये चेयर है, आप देखते ही होंगे मार्केट में, बहुत महाराजा चेयर है, कुशन हो जाता है इसमें, बहुत अच्छी फैब्रिक पॉलिश अपने अकॉर्डिंग करा सकते हो। और बात करें तो बार, बार काउंटर एक यूनिक आइटम दिखा रहा हूँ, देखो बार काउंटर, और ये बार काउंटर भी टीकवुड का। ठीक है, देखो और कितना हैवी, और सामने भी बॉटल बना के कार्विंग की गई। मंदिर की स्टार्टिंग की प्राइस करूँ तो स्टार्टिंग प्राइस सर देखो 35 से स्टार्टिंग हो जाता है, अच्छी वाली कार्विंग टीकवुड का ही मिलेगा, अच्छी वाली कार्विंग की ही मैं आपको रेट बता रहा हूँ। और बात करते हैं अभी हम कंसोल्स पे आ जाते हैं, हम लाइट से शुरू करेंगे, हैवी की तरफ जाते रहेंगे, और टकाई में भी एक दिखाऊंगा आपको। ठीक है, ये लाइट है, तो फिर इसके बाद ये देखो आप देखते जाइए, ये कंसोल विद फ्रेम्स, ग्लास नहीं देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आती है। ठीक है, और फिर अगर अभी की बात करूँ तो सबसे बढ़िया ये ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ है हमारे पास,
ऑर्डर्स का है, काम देखिए, फ्लावर्स देखिए, काम ना देखने से ही पता चलता है। कस्टमर बहुत समझदार होते हैं, वो समझ जाते हैं कि कहाँ से हमें खरीदना है और काम क्या है। मैं कह तो रहूँ, जितने हम वीडियोस बनाते नहीं है या बनवाते नहीं है, उनसे ज्यादा वो देखते हैं, उनको नॉलेज होती है, उनको हमसे ज्यादा मार्केट का सर। अगर कोई उनको बोलने लगे कि ये कार्विंग बेकार है, वो कैसे मान लेंगे ये बेकार है? देखो इसका फ्लावर्स देखो, बिल्कुल उसको ऐसे तरीके से ढलाई की गई, फ्लावर्स ना फ्लावर्स ही लग रहे हैं। देखिए काम है तो दिखता है, काम तो अपने आप में दिखता है। और सर ये भी कंसोल्स हैं, और ये एक टकाई, हाँ टकाई, ये टकाई है, इंग्रेविंग जिसको बोलते हैं, बहुत ही शानदार लाइट। अगर किसी को लेना है तो ये चीज आपको अच्छे रेट में ऑर्डर्स पे बनी है, ये कल पॉलिश पे लग जाएगी। ये थोड़ा सस्ते भी रहते हैं कार्विंग से, हमारा कार्विंग से थोड़ा हल्का रहता है ये, क्योंकि इसके अंदर ना वुड की वेस्टिंग कम होती है। ठीक है, देखो फिर ये लाइन पूरी है, इसके ऑर्डर्स पे अभी लगे हुए हैं, डबल कार्ड है। पीछे तक ये सेम चेयर है, बहुत हैवी डाइनिंग के साथ लगती है, दो मास्टर चेयरें होती हैं, छह चेयरें ऐसे होती हैं। ये ऑन ऑर्डर बनी है किसी की? ऑर्डर पे दो डाइनिंग है, अलग अलग कस्टमर के हैं, एक कोलकाता का, एक हैदराबाद का है। ठीक है, अब क्या रहता है, अब क्या दिखाएंगे सर? अगर बात करूँ अभी हमने उधर के बेड्स जो रह रहे हैं, नहीं हमने डाइनिंग नहीं दिखाया, ये हम डाइनिंग दिखाते हैं आपको। डाइनिंग बस बच्चे थे इधर ना, बाकी तो सब हम लोगों दिखा चुके हैं, ये तो दिखा चुके हैं, ये एक डाइनिंग है। ठीक है, इसके वर्क, इसके हाँ इसके वर्क देख लीजिए आप। और सर देखने से रखने से कुछ नहीं होता, सब कस्टमर ये भी ले सकते हैं आप, और आप अपना भी बनवा। सबसे अच्छा वही हो गया ना आजकल की, एक फोटोग्राफ शेयर कर दीजिए या वो आपसे शेयर करे तो वैसा बन जाता। लेकिन अगर इतने आप देख रखा हुआ लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी मिलेगा और आपको सूखा सामान भी मिलने की ज्यादा चांसेस रहते हैं ना। फिर एक ये है टॉप आ जाता है, फिर एक ये है पॉलिश पे लगा हुआ है, चेयरों की पॉलिश अभी घिसाई हुई है, अभी तो वीडियो के लिए रख दिया है यहाँ पे। अच्छा, कुछ लोग कोई आपको कस्टमर कॉन्टैक्ट करते हुए कहते हैं कि आप अपना वर्क दिखाइए, जो आपने अपने फिनिश करके प्रोडक्ट कस्टमर को दे रखा है, तो वो दिखा सकते हैं आप, शेयर कर सकते हैं? हाँ दिखा सकते हैं बिल्कुल, वो तो पूरी PDF है, हमारा लोगो फोटो लगा हुआ है जहाँ पे वीडियो शूट करते हैं। कस्टमर हमारा यूट्यूब चैनल, उसका लिंक दे देंगे तो उस पर हमारी 1000 से ऊपर वीडियो पड़ी हुई है जो हमने खुद बनाया है। अच्छा अच्छा, हमारा खुद का बना हुआ काम है। और डबल कार्विंग में करने में ज्यादा हम लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, जो मतलब आगे पीछे, जो आगे पीछे काम कैसा भी रहे हो जाएगा। एक ये बेड है, फिर एक ये है आप है। सर बेड्स तो हमारे पास अभी 40 से ऊपर यहाँ पे रखे हैं, ये मतलब वे फैक्ट्री ऐसी है जिसमें मतलब आपको सही रेट में आपको सामान मिल जाता है, और फ्रेम भी है अगर आप देखो तो ऊपर, और ये डाइनिंग की चेयर रखी हुई है। मतलब अभी ये आपका वेयर हाउस है, फैक्ट्री में अलग प्रोडक्ट रहेगा सर, वहाँ पे तो पूरी लेबर रहती है ना, अभी की लेबर तो, आज तो फ्राइडे है इसलिए यहाँ की लेबर तो नहीं है। आपने छुट्टी का दिन ही दिया था तो आप छुट्टी के दिन आए हो। तो अगर बात करूँ तो ये भी एक बेड है, ये भी पूरा साजन वाला बेड है, एक ये बेड है कुशन वाला। और आपको एक अलग ही चीज दिखाता हूँ, अब राजस्थानी आर्ट, आपने सुना भी होगा कि जी जी सब जगह की एक आर्ट होती है, एक राजस्थानी आर्ट है। देखो ये भी हमारे देश का वर्क है, मतलब ये हमारे देश में अलग अलग टाइप के अलग अलग जगह पर काम होता है। दिल्ली आप जाते हो तो प्लेन, सहारनपुर आते हो तो कार्विंग, लेकिन आप अगर राजस्थानी आर्ट देखोगे तो दिखने में ऐसी होती है, बहुत सुंदर। ये राजस्थानी आर्ट है जो झरोखा टाइप में, नोएडा का ऑर्डर है, बहुत ही अच्छे क्लाइंट है हमारे। और फिर ये है इसका मतलब 3 सीटर क्या है ना, फैक्ट्री में है। इसकी चेयर कितनी हैवी है सर? ये महाराजा सर, महाराजा ही, मैंने जितने आपको सोफे दिखाए ना अधिकतर उनमें महाराजा ही थे। ठीक है, तो ये इसका 3 सीटर आ गया, टेबल है केरला का ऑर्डर है। और इधर भी दो बेड्स रखे हुए, अगर ये नहीं दिखाए थे, और ये लगातार 3 बेड्स है, कैनोपी वाला बेड, कैनोपी बेड। और आप इसके ना आप पास से जाके इसके फ्लावर्स देखिए, कितने अच्छे फ्लावर्स बने हुए हैं। देखो सर मेरा क्या है, मैं अच्छे फर्नीचर की तारीफ करता हूँ और करता, सर ये तो दिखता है जो अच्छा होता है वो दिखता है। ठीक है, और मेरी कहा था, मेरे को ना झूठ बोलना नहीं आता, मैं साफ बोलता हूँ सर, सच बोलो, भले ही किसी को अच्छा लगे ना लगे, मेरे ना जो इतनी हैवी महाराजा चेयर नहीं देखी अभी तक, जो बैठते वो तो कभी देखे ही नहीं, जो इतने पीछे सर पता है, जो ये बना सकता है ना वो कुछ भी बना सकता है, बोलने से कुछ नहीं होता है, दिखाने से होता है सर। और ये कैनोपी बेड है जो अभी तो फिक्स करके नहीं रखा है, फोल्डिंग करके रखा है, ऊपर 4 ऐसे ही लगते हैं पूरा, इसमें मतलब जाल फिटिंग पे रहता है ये, इसमें बॉक्सेस नहीं बनते, 4 पिलर बोल लो, 4 पोस्टर बोल लो, जो भी आप पोस्टर बेड भी बोलते हैं, कुछ भी बोल लो आप। तो यही है सर, अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि फैक्ट्री में आगे का काम कैसे होता है, बाकी तो हमने सारा फर्नीचर कवर कर लिया, इतना फर्नीचर है कि कवर तो नहीं कर पाएंगे। बाकी मैं आपको एक सोफा बहुत शानदार दिखाना चाहता हूँ, बहुत सारे तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन एक इटालियन सोफा है मेरे पास। अच्छा। उसकी कार्विंग आप देखिए, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप तारीफ भी करिएगा, उसकी कारीगरी देखिए, सहारनपुर में देखो, देखो आप इसका ना ये काम देखो, जो लाइट कवर होता है ना उसमें टाइम ज्यादा लगता है,
ये पूरी लेयर में ना सोफे के स्ट्रक्चर रखे हुए हैं, दिखा तो नहीं, तो ऐसे नहीं दिख पाएंगे, तो आप सर से कॉन्टेक्ट कर दीजिए सर, आप इनके फोटोग्राफ्स पीडीएफ शेयर कर देंगे। बिल्कुल, ये सर सारे कैटलॉग की तो इमेजेस बना के रखी हुई है। चलो अब रॉ तो दिखा दिया, अब क्या दिखा रहे हैं सर? अभी कुछ चीजें हैं जो पॉलिश पे लगी हुई है सर, जैसे कि यहाँ पे पॉलिश और कुशन का काम होता है, जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे तो रॉ स्ट्रक्चर थे। अभी हाँ, ये पूरी फैक्ट्री है, इससे अलग एक है मैंने बताया था आपको जहाँ बन के आते हैं। अभी जैसे कि ये देखिए आप कितनी हैवी आइटम है, पॉलिश का काम अभी चल रहा है, नेचुरल पॉलिश हो रही है। आप ये मतलब केरला का ही ऑर्डर है। अच्छा, इनका ऑर्डर अभी चल रहा है। अब इसके काम देखिए, अभी ये फिनिश नहीं है, ठीक है? अभी क्या ना, सीलर जो आपने सुना होगा उसकी पॉलिश का कोट हुआ है एक, अभी तो इसका अच्छा, सीलर हो रखा है। हाँ, सीलर। सीलर का एक फायदा बता दीजिए सर। सीलर का इसकी ना जो अंदर की लकड़ी होती है ना, उसकी पूरी तरीके से ना भराई हो जाती है, नसें भर जाती हैं। हाँ, वो भी बोल सकते हैं आप, जिसकी भराई हो जाती है, जिससे पॉलिश क्या ना उभर के आती है, उभर के आए, ऊपर टिकी रहे, उसमें एब्जॉर्ब ना करे। एब्जॉर्ब तो पहले सीलर हो गया, जी। ये बहुत ही शानदार आइटम है सर, बहुत ही शानदार। और एक चीज यहाँ पर आपको जनरली मार्केट में, यहाँ लोग ऊपर विनियर लगा के देते, पर यहाँ सॉलिड वुड लगी, वुड का टॉप है सर। देखो कितना मोटा है, पर यहाँ पे हमें टॉप पे विनियर ही लगा के देते। सर लकड़ी यहाँ पे क्या होता है ना, हमारे यहाँ तो मुझे तो अपना पता है सर, हम तो पूरा वुड में ही काम करते हैं। कितनी हैवी आइटम है, फिर इनका 3 सीटर सोफा ये रखा अच्छा, है बहुत अच्छा। बाहर दो चेयरें थी जो टेबल थी, अभी इसके कोट लगाए तो इसको यहाँ ला के रख दिया, महाराजा सोफा है। और सोफे में भी आप देखिए सर, हम लोग स्लीप वेल का ही यूज करते अच्छा, हैं। प्रो सोफा लगा रहे आप, स्लीप वेल जी, देखो आप स्लीप वेल है ओरिजिनल। लोग तो यही तो काम करते हैं लोग, कि बहुत ही महंगा फर्नीचर बनाएंगे लेकिन उसमें क्या करेंगे ना, फोमिंग अच्छी नहीं करेंगे। अच्छा, और आप बेड्स के साइड में देखिए हम कितना मोटा ये यूज करते हैं, देखिए पूरा प्लैंक लगा रखा है। हाँ, तो 1.5 से 2 इंच का करते हैं सर, ठीक है? आप फील करके देखिए यहाँ पे ना, मतलब पॉलिश का 50% काम हुआ है अभी, फाइनल तो नहीं है, तो आप फील करके देखिए कि यहाँ पे सेंडिंग अच्छे से की गई या नहीं। अभी स्मूथनेस हाँ, आप देखिए अभी तो होगी, अभी मतलब अभी तो सीलर होगी पूरे अच्छे से होगी। और उसकी लकड़ की खूबसूरती बहुत अच्छी लग रही है सर, कार्विंग भी देख सकते हैं आप, फिर निखर के आती है। ये पूरा पूरे गुलदस्ता बना दिया बुके। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या हुआ, क्या बताइए सर? ये गुलदस्ता या इसको ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पे तो जैसे कि जो बी होती है ना मधुमक्खी, उसका ऐसा छत्ता टाइप में बनाया गया फ्लोरिंग, ठीक है? ये भी मतलब इतनी शानदार आइटम है ना, आजकल ना आप देख रहे होंगे डेको फिनिश में है ये, आजकल इसका फ्लावर्स व्हाइट होगा, रेड, ग्रीन, ऐसे करके ये बहुत ही पीसियस चीज बनेगी। अच्छा, शायद मैं आपको पिक्चर भी शेयर करूं, ठीक है? ये भी मतलब ये उनका ही ऑर्डर जो मैं बताया था ना, जो ऑस्ट्रेलिया में जाएगा, उनके घर दिल्ली के हैं। और ये एक सोफा कम बेड है, ये रेडी है? ये रेडी है, अभी ये पैकिंग होगी, हैदराबाद का है, ये 3 सीटर है, जैकार्ड फैब्रिक जी, जैकार्ड। पॉलिश की फिनिशिंग आप देख लीजिए, और हाथ भी लगा के फील करिए ग्लॉस है या नहीं है। ग्लॉसी तो दिख ही रही है, आप बताइए कि कौन सी पॉलिश है वाले? सर ये नेचुरल पीहू फिनिश, पीहू है जी, पीहू टीकवुड की सबसे बेस्ट पॉलिश, की सबसे बेस्ट पॉलिश पीहू फिनिश ही होती है सर, नेचुरल ताकि उसकी ग्रेस दिखे, आपको सर, पता रहे कि असली लकड़ है। आपको नेचुरल चीजें पसंद करने का एक अलग ही मजा है, आपको मैं बताऊँ तो ये एक 3 सीटर है, और बैक भी ये चीजें नोट करने की होती है कि बैक इसकी देखिए कितनी हैवी फॉर्मिंग की गई है, ना कि कुछ अलग से कुछ भर दिया सीटिंग। देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है, महाराजा चेयर हमारे, ये महाराजा सर, ये 1 सीटर है, देखो वो भी ऐसे कोटिंग है, ये ना मतलब बेसिक काम हुआ है, ये पीला हुआ है, पहले रॉ होता है, फिर इसके ऊपर गोल्डन गिरा है, फिर इसके ऊपर एक गोल्डन और गिरेगा, ओरिजिनल गोल्डन, फिर उसके ऊपर पीहू डालता है। पीला क्यों करा जाता है बता दीजिए एक बार। पीला इसलिए किया जाता है, ये तो एक तरीके से इसकी मरम्मत बोल सकते हैं। अच्छा, पीला क्योंकि पीले के ऊपर ही गोल्डन हो सकता है ना, पीले से मैच खाता है गोल्डन। जी जी, तो ये भी फाइनल तो नहीं है अभी? ये नहीं फाइनल तो नहीं है, फाइनल तो 2 आइटम ही है। अच्छा, और आप नोटिस करिए दो कहाँ से हम सामान ले रहे हैं, ये चीज देखने, पाइपिंग देखिए आप, ले अगर आप इसमें पाइपिंग में कहीं कमी नजर आए तो बताओ। और इसकी फॉर्मिंग भी मतलब प्रॉपर की गई है, ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें कम कर दिया गया। अच्छा, फैब्रिक में कितने ऑप्शन देते हैं आप? फैब्रिक में तो हमारे पास देखो सबका फैब्रिक में तो ऊपर के रूम में मैं आपको दिखाऊंगा, सबके पास आपको फैब्रिक में ऑप्शन कम ही मिलेंगे, लेकिन हमारे पास अपना खुद का फैब्रिक है। चले हम प्रॉपर, हाँ चलते हैं दिखाता हूँ, हम तो प्रॉपर अपना फैब्रिक लेके आते हैं। फैब्रिक की बात कर रहा था, जो ऑप्शन फैब्रिक में देखिए यहाँ पे भी 30 के आसपास मंडल रखे हुए हैं। ये हमारे पास फैब्रिक है जैकार्ड का ओरिजिनल, अपना खुद का फैब्रिक ला के रखा है ताकि कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो। अगर इसके बाद भी कस्टमर अपना फैब्रिक लगवाने चाहते हैं तो कुछ कस्टमर हमें अपना फैब्रिक प्रोवाइड भी करते हैं। आप फील करके देखिए अच्छा है कि नहीं। चलो अब आप डायरेक्ट रोल ले रहे हैं, डायरेक्ट आपने दिखा भी दिए जी, इधर भी रखे हुए हैं। मैंने देखा लोग बोलते हैं पर दिखाते नहीं, पर आपने दिखाया है सर। आप तो अब आपने एक बात भी बोली कि कस्टमर अपना भी दे सकते हैं फैब्रिक।
अपना भी देते हैं, कस्टमर अपना फैब्रिक देते तो क्या पैसे कम होते हैं? सर वो फैब्रिक का जो होता है वो कम करेंगे बिल्कुल उनके लिए, जितने का वो लेंगे वो हम उतने कम कर देंगे आप। जैसे कि वो तो सोफा देखो, कुछ कोई सोफा 12,000 रुपए सेट का है, उस पर 500-600 रुपए का लगता है, एक सोफा होता है 40,000 पर मीटर के हिसाब से पैसे कम हो जाएगा, कम जो जितने मीटर वो कपड़ा देगा उतने मीटर वो भी हमें भेज देंगे, हम उसके पैसे कम कर देंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं है। और फैब्रिक की क्वालिटी भी आपने देख ही ली होगी, जकार्ड है, स्वेड है, फोम दिखा दिया, प्रो सोफा लगा रहे स्लीप वेल का, पॉलिश दिखा दी, पॉलिश दिखा दी, सिरका मटेरियल की पॉलिश होती है हमारे यहाँ। तो आपने 30-40 बंडल आपने बता दिया रखे हुए, 56 है अभी, अभी 56 रखे हैं, 56 बंडल हैं। ठीक है, तो वापस एक बार नीचे चलते हैं। तो मेरे ख्याल से हमने मैक्सिमम सब कुछ दिखा दिया, मैक्सिमम सर मैक्सिमम दिखा पाए, क्योंकि पूरी नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, सब चीजें तो नहीं दिखा पाते, सब चीजें तो हम व्हाट्सएप पे जो कस्टमर हमें मैसेज करेगा उन्हीं को दिखा पाते हैं, प्रॉपर इमेज, प्रॉपर कैटलॉग भेजेंगे, सारी चीजें वहीं क्लियर हो सकती है सर। ठीक है, तो मतलब अभी तो हमने आपको रॉ दिखाया, फिनिश प्रोडक्ट एक आधा ही दिखाया जो रेडी था, बाकी जैसे आपने मेरे को बताया था कि पूरा ट्रक कल ही गया सर, कल ही एक गाड़ी निकली थी और आज फ्राइडे है तो लेबर भी नहीं है, नहीं तो फिर एक आध प्रोडक्ट हम फाइनल आपके सामने करा भी देते। ठीक है, तो आप लोग सर को कॉन्टैक्ट करते हैं, सर आपको ये अभी रॉ प्रोडक्ट के फिनिश प्रोडक्ट की फोटोग्राफ शेयर कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कस्टमर अपनी भी करते हैं, वो भी बना के वो भी बना के दे देंगे, और हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग अपनी आर्ट भी बचा लें और लोगों को ना मतलब सही रेट में सामान दे दें। जैसे कि 10 की चीज़ आपको शोरूम में 30 की मिलती है ना, तो हम कोशिश करते हैं कि 10 की चीज़ 12 या 13 में ही आपको मिल जाए। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, 10-15% ही मार्जिन लेके हम लोग चलते हैं, और वो आप रेट में भी रियलाइज करेंगे कि जब आप हमारे से कैटलॉग की इमेज भेज के अपना रेट लेंगे तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि रेट वाकई में ही रीजनेबल है। ठीक है, और अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने सर की पहले कोई भी किसी भी चैनल पर कहीं भी वीडियो देखी हो और आपने यहाँ से कुछ लिया और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल शेयर करिए, ताकि हमें भी पता चले कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। सर तो धन्यवाद सर, मुझे आज कुछ नए प्रोडक्ट दिखाने के लिए, कुछ नए बिल्कुल कुछ नहीं, बहुत कुछ नया दिखाने के लिए।